तैयार हो मोगली? मैं? जाओ। ठीक है। कहीं ठीक पहले उसका पैर न फिसल जाए या घबरा कर भाग न जाए और वो बस भी करो, तुम तो लड़कियों जैसी टेंशन ले रहे हो। तो कैसा रहा मोगली? मैं शिकार के टेस्ट में फेल हो गया। मैं भेड़ियों के साथ शिकार नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? फियोना ने फिर से चाल चली। वो कभी बाज नहीं आएगा। फिक्र मत करो, हम अकेला को कहेंगे तुम्हें एक और मौका दे, सच्चाई जानने के बाद वो जरूर कुछ करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अकेला कह रहा था कि उसे भी यही लगता है कि मैं शायद ही एक अच्छा शिकारी भेड़िया बन सकता हूँ। बकवास, मुझे लगता है तुम्हें बस एक अच्छा मौका चाहिए। यहीं रुको, हम अभी आते हैं। मोगली को एक और मौका मिलना ही चाहिए। मोगली के लिए फियोना की दुश्मनी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और मोगली को रास्ते से हटाने के लिए फियोना कुछ भी करेगा। तो ठीक है, मोगली से कहना कि सूरज ढलने के बाद पानी के पास आकर मिले। मैं फियोना को वहाँ से दूर रखने की कोशिश करूँगा, हालांकि इतना आसान नहीं। अगर मैं फियोना के ना रहते हुए भी शिकार ना कर पाया तो, और अकेला का शख्स सही निकला तो, और मैं कभी भी जून के साथ शिकार पर ना जा पाऊँ तो, फिर तो मेरा सबसे बड़ा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, लगता है किसी को विशिंग ट्री के बारे में पता ही नहीं है। विशिंग ट्री? वो कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ जो तुम्हारी भेड़ियों के साथ शिकार करने की इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तो मजा आ जाएगा। पर सच में हमारे जंगल में ऐसा कोई पेड़ है? हाँ बिल्कुल है, मेरी भी एक इच्छा थी, दर्द ना होने की इच्छा। मैं पेड़ के पास गया और देखो। देखो अब मुझे गुदगुदी होती है। अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो किसी और को पूछ लेता हूँ, शायद फियोना जाना चाहेगा। नहीं रुको, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। बहुत खूब, आज तुम्हें पता चल जाएगा जंगल में एक विशिंग ट्री भी है, और साथ ही ये भी कि ये जंगल की सबसे बेहतरीन जगह है। क्या बात है, तो अपनी इच्छा कैसे मांगते हैं? आसान है, इन जड़ों से होते हुए अंदर इसके तने तक जाओ, उसे गले लगाओ, आंखें बंद करो और अपनी इच्छा जोर से चिल्लाकर बोलो। मोगली, मोगली, अकेला ने कहा है वो तुम्हें। मोगली, वो कहाँ गया? वो जहां भी गया हो वो शैतान गीदड़ उसके साथ है। बाकी पता नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। वो उसे कहीं भी ले जाए फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उसका आकार। शेर खान, अरे नहीं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? अब चलो जल्दी, चलो इस तरफ बलू। तो ये है इसका तना। अच्छा तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत ही खास इच्छा मांगने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक बेहतरीन शिकारी बनूं, ताकि अकेला मुझे अपने भेड़ियों के शिकारी झुंड में जगह दे दे। सुन लिया ना? एक बार फिर से बोलूं क्या? हाँ हाँ सुन लिया। शेर खान, रुक जा, मैं भी एक शिकारी हूँ मोगली, मैं भी तेरी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब तक तेरा नाश्ता करता हूँ, कुछ ही देर में शेर खान उस विशिंग ट्री के अंदर मोगली का शिकार करके आ जाएगा।
चबाकी तू तो कमाल है, तेरे दिमाग में कहीं कंप्यूटर तो फिट नहीं है। अच्छा तो तुमने झूठ मूठ की विशिंग ट्री की कहानी बनाई ताकि शेर खान मोगली का शिकार कर सके। बोलो। बिल्कुल सही समझे। तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले बताओ वो पेड़ कहाँ है। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो शेर खान मेरी चटनी बना देगा। अगर तूने नहीं बताया तो हम तेरा सॉस बना देंगे। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, पर पहले मुझे नीचे तो रखो। वो तुम्हारी आखिरी इच्छा थी मोगली। अब बताओ मोगली कहाँ है। ओहो गलती हो गई, माफ करना दोस्तों, ये नहीं है, सभी बरगद के पेड़ एक ही जैसे दिखते हैं। मैं भी ना, उधर देखते हैं। कितने बेवकूफ हो बरखुरदार जो उस टबाकी के कहने पर आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि ये सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ है, ये किसी की इच्छा पूरी नहीं करता। जो भी हो, पर मुझे खाने की तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अभी देखते हैं। धत तेरी की, फिर से गलत जगह आ गए। कहीं तू हमें जानबूझकर इधर उधर तो नहीं घुमा रहा, गीदड़ के बच्चे। अरे नहीं नहीं, मैं तो सपनों में भी ऐसा नहीं करूंगा बलू। ओह हाँ याद आ गया। जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है दोस्तों। हेलो, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? बस थोड़ा और नीचे करो बलू। जैसा तुम कहो बगीरा। अरे नहीं 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 मम्मी, मैं सही जगह ले चलता हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं ले चलूंगा सच्ची। अब कोई फायदा नहीं, तू फंस चुका है। किसने विशिंग ट्री की आत्मा को परेशान करने की कोशिश की? विशिंग ट्री की आत्मा को बहुत दुख हुआ। अब तुम नहीं बच पाओगे। विशिंग ट्री की आत्मा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया, मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। बलू, बघीरा, मोगली। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुम्हारा शेर खान से सामना हुआ था? ओह हाँ, मुझसे उलझने आया था वो, पर मैंने उसकी बैंड बजा दी। तुमने उसकी बैंड बजाई और वो भी अकेले? और नहीं तो क्या, मैंने कर दिया। इसका मतलब मैं भेड़ियों के साथ शिकार करने के लायक हूँ, है ना? और आज शाम तुम्हें अकेला को ये हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ओह ये तो बहुत अच्छी खबर है। और अगर फियोना ने इस बार अपनी कोई चाल चली तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तैयार हो मोगली? जाओ। इस बार कोई चाल नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फियोना की चाल नाकाम कर पाएगा? मैंने कर दिखाया बलू, बघीरा,
अकेला ने मुझे शिकार के लिए हाँ कह दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस फूल की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही, इनसे बुखार ठीक होता है। वाह, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है बलू, क्या है ये? ये है मणि, पेड़ की रार जमकर ऐसी हो जाती है। चलो अब इसे फेंकते हैं वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि कुछ जानवर मानते हैं कि मणि में ऐसी शक्ति होती है जो सभी जानवरों की ताकत के बराबर होती है। सभी जानवरों की सारी ताकत, मतलब जिसे भी यह मिलता है उसे वो शक्ति मिल जाती है। पुरानी कहानियों में ऐसा लिखा था, पर आज भी कुछ जानवर इस पर यकीन करते हैं, इसलिए वो इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। मणि, मुझे पता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। मणि, सच में जरा सोचो, अगर मेरे पास वो पत्थर हुआ तो कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जाहिर हो जाएगा कि जंगल का असली राजा मैं हूँ और मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजकुमार। अब जा और मेरे लिए वो मणि लेकर आ। तुम मणि के उस टुकड़े को लाए ही क्यों? मैंने कहा था ना वो मुसीबत की जड़ है। अब तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो किसी बुरे जानवर के हाथ ना लगा हो। जहाँ पना शेर खान ने अपने जंगल वासियों को तुरंत सभा में बुलाया है। हाँ? ओ, प्यारी जनता, आप देख सकते हैं इस मणि ने मुझे चुना है और अब से जन्मों जन्मों तक मैं तुम्हारा राजा हूँ। घबराना मत, क्योंकि जो जानवर मेरी चापलूसी करेगा उसे कुछ नहीं होगा। मुझे खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अच्छा, तो तुम हमें खाने के लिए भी चीजें दोगे? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं अपनी गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ उस इंसानी बच्चे को लाओ और बदले में अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ। और राजकुमार टबाकी सब पर यही से नजर रखेगा। पहले जाओ उस इंसानी बच्चे को ढूंढने में उनकी मदद कर, काम चोर गीदड़। कहीं जानवरों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि शेर खान वाकई सबसे ताकतवर बन गया? हाँ बलू, जो कहानी पर यकीन करते हैं उन्हें लगेगा। जब तक शेर खान के पास मणि है तुम सुरक्षित नहीं, तुम्हें छुपना होगा। वो यहाँ है, मोगली यहाँ है। मैं शेर खान से मणि छीनकर झरने में फेंक के आता हूँ। मैं मोगली को लेकर आऊंगा, इनाम तो मुझे ही देना, मुझे भी उससे छुटकारा पाना है। उस इंसानी बच्चे को मणि चाहिए तो वो उसे लेने शेर खान के पास जरूर आएगा। Thank you.
इंसानी बच्चे। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तो सुधार लेता हूँ राजा जी। धत तेरी की। फिर मिलेंगे नकली शहंशाह। वो आ रहा है, तैयार रहना। अब कहाँ जाओगे? मेरे लिए तो रुको, राजकुमार के लिए। दूर हट, मुझसे चिपको। मोगली बच के भाग रहा है। कैसे हटूं? मैं तो फंस गया हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसी काम के नहीं तुम दोनों। मिल गई मणि। एक मणि की वजह से हम उस मोगली के खिलाफ नहीं हो सकते। वो हमारा दोस्त है और हमारी दोस्ती उस शेर खान के खौफ से ज्यादा मजबूत है। ये काम की चीज है। मेरी हड्डी के पास भी मत भटकना भूखे गीदड़। हाँ? दौड़ खत्म हो गई इंसानी बच्चे, और मणि का विजेता है सिर्फ शेर खान। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हमें जल्दी झरने के पास पहुंचना होगा, खेल वहीं खत्म होगा। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, उसी ने हमारी समझ को बदला है। ओ अच्छा, अब जल्दी से मुझे झरने के पास जाना है और इस मणि को हमेशा के लिए पानी में डुबाना है। नहीं गया। अब ये तमाशा। आप उसे रोकते क्यों नहीं जा पना? गीदड़ तू ही जाके रोक लेना। क्यों, पानी में आने की हिम्मत नहीं है जहाँ पना? तू मुझे ललकार रहा है। ये लो, जनता भी यहाँ पहुँच गई। शाबाश, अब सभी अपनी आँखों से देख लो, ये मणि हमेशा के लिए गई। नहीं, मैं फिसल रहा हूँ। तुम खुद अपनी हालत देख सकते हो शेर खान, इस मणि से कोई ताकत नहीं आती, उल्टा ये आपको कमजोर बनाती है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरी मणि बचा लेगी। कहानी की वजह से जिंदगी दांव पर मत लगाओ। हम सभी को यहाँ इसलिए लाए ताकि सभी को यकीन हो जाए कि उस मणि की कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी। शुक्र है इस मणि की दिक्कत यहीं पर खत्म हो गई। अब वो किसी मछली को मिल जाएगी, फिर एक मछली यहाँ की रानी बन जाएगी, है ना? अरे नहीं, मछलियाँ इतनी बेवकूफ नहीं होती, ऐसी बातों पर तो कम अकल ही यकीन करते हैं। खामोश।
खरगोश चूजे, जंगल के राजकुमार से तमीज से बात करो। चुप कर मिस्टर चंपू कुमार, अब ना कोई जंगल का चाहपना है और ना ही कोई राजकुमार। बागीरा और बलू अपने करतब दिखा।